हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइफोरोसिस के बारे में। डाइफोरोसिस मतलब अधिक मात्रा में स्वेटिंग होना, पसीने छूटना। नॉर्मल गर्मी का वेदर है तो इंसान को पसीने छूटते हैं, लेकिन बिना गर्मी के, बिना वेदर के भी अगर पसीने छूटने लग जा रहे हैं, बैठे बैठे ही पसीने छूटने लग जा रहे हैं, तो जरूर एक प्रकार से गंभीर समस्या या बीमारी हो सकती है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। डाइफोरोसिस मतलब अधिक मात्रा में पसीने का छूटना। बिना किसी फिजिकल मेहनत के, बिना किसी हॉट वेदर के, अगर आपके पसीने छूट रहे हैं, बैठे बैठे पूरा आप पसीने में भीग जा रहे हो अधिक से अधिक मात्रा में, तो वो एक प्रकार से गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे हम आज डील करने वाले हैं। तो आपको ज्यादा मात्रा में पसीने क्यों छूट रहे हैं, तो सबसे पहला मेडिकल कारण हो सकता है। मेडिकल में जैसे थायरॉइड हो गया, डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर हो गए। थायरॉइड में अगर आपको हाइपरथायरॉइडिज्म जैसी बीमारी है, मतलब थायरॉइड की मात्रा ज्यादा है आपके शरीर में, तो क्या होगा, जब हाइपरथायरॉइडिज्म होता है तो वो अल्टीमेटली हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। बीएमआर अगर हमेशा हमारी इंक्रीज होगी तो वो हमको एक्सेसिव स्वेटिंग कराता है, ज्यादा मात्रा में परस्पिरेशन कराता है। तो दूसरा है आपका डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक वाले पेशेंट, अगर उनका डायबिटिक मेलाइटिस वाले जो पेशेंट है उनके लो डायबिटीज है, मतलब लो ब्लड शुगर जा रहा है, तो लो ब्लड शुगर के केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा कंडीशन है जो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन लेके आता है। फाइट एंड फ्लाइट के कंडीशन में हम क्या करें, कैसे करें, ऐसे बड़ी गंभीर समस्या वाली सिचुएशन आ जाती है। उस केस में आपका बहुत ज्यादा परस्पिरेशन होना संभव है, बहुत ज्यादा परस्पिरेशन कराता है। तीसरा है थायरॉइड ग्लैंड हो गया या एंडोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर या फिर ट्यूमर। अगर आपके थायरॉइड ग्लैंड में ट्यूमर है या तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ट्यूमर है, तो अल्टीमेटली आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जहां से सारे हार्मोन रिलीज के ऑर्डर आते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कैंसर होने की संभावना होगी। तो वो भी अगर कैंसर वाला सिचुएशन में फेस कर रहा है, तो आपको एक्सेसिव परस्पिरेशन होना संभव है। नेक्स्ट कॉज है आपका मीनोपॉज के केस में। मीनोपॉज मतलब जब महिलाओं का महीना बंद होने आ जाता है, तो महिलाओं का जो महीना बंद होने वाले टाइम में हॉट फ्लैशेस आते हैं, गरम गरम भाप छूटते हैं उनके चेहरे से। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में जो ईस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ईस्ट्रोजन ही ऐसा हॉर्मोन है जो महिलाओं में महीना रेगुलेट करता है, उनकी महीना होने की तिथि को रेगुलेट करता है। तो उस कंडीशन में भी आपके बहुत ज्यादा परस्पिरेशन होता है, बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत ज्यादा पसीने छूटने लग जाते हैं। तो ये सारे जो कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव परस्पिरेशन होता है लोगों को। अब हम देखेंगे लक्षण। लक्षण में देखेंगे सबसे पहला है बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हॉट वेदर के आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पसीने छूटेंगे। दूसरा है चाहे दिन हो या रात हो आपको एक्सेसिव पसीना होगा बिना किसी रीजन के। तीसरा है डायबिटिक मेलाइटिस के केस में आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगा, घबराहट होगा, फटिकनेस होगा, थकान होगा, वीकनेस होगा, आप काम पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे। नाइट में अगर आप सोएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पसीने छूटने लग जाएंगे आपके शरीर में। हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में भी आपको ज्यादा से ज्यादा पसीने छूटेंगे, प्लस साथ में आपको पाल्पिटेशन होगा, मतलब आपके दिल में घबराहट हो रही है और आपके दिल की जो धड़कन है आपको खुद को सुनाई देंगे इतना तेज की पाल्पिटेशन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं परस्पिरेशन और डाइफोरोसिस के केस में। अब देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमने मुख्य कारण सबसे पहले ये देखा था कि मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको डाइफोरोसिस हो रहा है। सबसे पहला है थायराइड की बीमारी, तो थायराइड की बीमारी को हमको ठीक करना है। जो आपको जो मेडिकेशन होता है थायराइड का, वो कंप्लीट यूज करके, उसको खा करके आपको थायराइड की बीमारी को कंट्रोल में लेके आना, तभी आपको थायराइड से रिलेटेड परस्पिरेशन और डाइफोरोसिस नहीं होगा। दूसरा है डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ये दिक्कतें परेशानी देखने को मिलती है। तो हमें ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखना है डायबिटीज के केस में, हमारा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, चेंजेस लाना है लाइफस्टाइल में, और हमारा डाइट को इम्प्रूव करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। तीसरा है मेनोपॉज, जो महिलाएं हैं उनके महीना बंद होने आता है तब ये प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में जो हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है उस हॉर्मोन्स का रिप्लेसमेंट करना है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स जो रिप्लेस करेंगे महिलाओं के शरीर में, तो ताकि उनका जो मेनोपॉज से रिलेटेड जो लक्षण है वो ना दिखे और जैसे संबंधित बीमारियां या सिम्टम्स ना दिखे। तो आज हमने देखा परस्पिरेशन क्या होता है, डायफोरोसिस में क्या लक्षण आते हैं, क्या कारण होता है, किस तरीके से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से अधिक स्वेटिंग होता है, अधिक पसीना छूटता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।